सो फाइनली दोस्तों, एलोन मस्क का 2017 का ड्रीम अब पूरा हो चुका है। जिस वक्त में वो बात कर रहे थे ट्विटर को बाय करने की, उन्होंने करीब 44 बिलियन यूएस डॉलर में अब ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है। अब वही है ट्विटर के कर्ता धर्ता। हालांकि इस चीज के होने से अब कई लोग ट्विटर को सपोर्ट कर रहे हैं और कई लोग ट्विटर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्विटर को छोड़ के जा रहे हैं। और ये जो लोग जा रहे हैं थोड़े बहुत हाई प्रोफाइल टाइप के लोग हैं, जिनकी शायद राइवलरी रही होगी एलोन मस्क के साथ में कि भैया इस बंदे की सोच हमें पसंद नहीं है। फ्रीडम की तो बातें खैर ये करता है, लेकिन होगा नहीं होगा इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये मेरा लास्ट ट्वीट है, ये मेरी लास्ट फोटो है, तो इस तरीके के मैसेज भी किए हैं। यहां पर एलोन मस्क ने पहले ही कह दिया था कि वो ट्विटर के टेक ओवर के बाद में फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां पर ले आएंगे, जिससे कि किसी के ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और इसी के साथ साथ स्पैम बॉट वगैरह जो यूज करते हैं उनको भी हटाएंगे, जिसकी वजह से जैक स्विनी, जो कि 19 साल का एक लड़का है जो कि एलोन मस्क के जेट को ट्रैक करता रहता है और बताता रहता है कि इस वक्त में एलोन मस्क का जेट कहां पर लैंड हुआ, कहां पर गया, तो इस तरीके की चीजें करता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल भी है, तो शायद उसका भी अकाउंट अब जा सकता है। और उसने इस बात को कह भी दिया है कि भैया अब एलोन मस्क ने बाय कर लिया है तो नंबर वन हिट लिस्ट पे तो मेरा ही नाम है और अब मैं ट्विटर से जाने वाला हूँ, मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और कई लोगों का मानना यह भी है कि एलोन मस्क ने पूरा ट्विटर ही बाय सिर्फ इस लड़के की वजह से किया है, क्योंकि 5000 यूएस डॉलर इसको दिए जा रहे थे कि भैया मेरे जेट को फॉलो करना बंद कर दे, उसकी अपडेट देना बंद कर दे, सिक्योरिटी के साथ में खिलवाड़ वगैरह हो रही है, लेकिन ये लड़का नहीं माना और इन द एंड एलोन मस्क ने पूरा का पूरा ट्विटर ही बाय कर लिया। जैसे कि रॉकी भाई KGF के अंदर थे, कुछ करो तो बड़ा ही करो, तो एलोन मस्क ने सीधा यही कर डाला। और यहीं पर ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने ये कहा है कि भैया कोई टेंशन मत लेना, जो कि ट्विटर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं, तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जा रही है, तो जैसे काम चल रहा था वैसे ही काम चलता रहेगा। और ट्विटर के अंदर जितने भी चेंजेस आएंगे उनको पूरी तरीके से होने में शायद 6 महीने लग सकते हैं, तो बस जैसे आ रहे थे आते रहो। और यहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र का एक कस्टमर था जिन्होंने ओला का इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया था, जिसके बाद में उनको कुछ दिक्कत फेस करनी पड़ गई और कस्टमर सपोर्ट सर्विस उनको सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पाई, बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी को एक गधे से खिंचवाया अपनी प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए। और इसी के साथ साथ ये भी कहा सभी को कि ओला के स्कूटर मत लेना, यहाँ पर आपके साथ में गड़बड़ी हो सकती है, और गड़बड़ी हुई तो उसके बाद में आपको इनके सर्विस सेंटर वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देंगे। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के साथ में बात चल रही है, चाहे उसमें TSMC हो जाए, इंटेल हो जाए या फिर क्वालकॉम हो जाए, जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाती है, ताकि उनकी हेल्प से इंडिया के अंदर भी इनके प्लांट सेटअप किए जा सके। इनका साफ साफ कहना है कि भैया आप इंडिया के अंदर आओ, अपने प्लांट वगैरह सेटअप करो और उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 50% इंडिया भरेगी आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पर इसका बजट करीबन 76,000 करोड़ का सेटअप किया गया है, ताकि ये इंडिया के अंदर आ पाएं और ऐसा लगे कि भैया हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, आधा तो गवर्नमेंट ही उठा रही है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि रेडबुल तरह तरह के स्टंट करवाता रहता है ये दिखाने के लिए कि हमारी ड्रिंक को पीने के बाद में आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर एक स्टंट हो रहा था जिसके अंदर 2 एयरक्राफ्ट को नीचे जाना था, मतलब नोज डाइव लगानी थी, और उसके बाद में 2 पायलट आपस में प्लेन को एक्सचेंज करते, लेकिन ये स्टंट सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पर एक पायलट तो पहुँच गया दूसरे प्लेन के अंदर, लेकिन दूसरे वाला नहीं पहुँच पाया, जिसके बाद में एक प्लेन क्रैश हो गया। Moment when things took a turn. The daring aviation stunt that went wrong as millions were watching. But then one plane flips over, going into a downward spiral. With the silver plane still controlled, Luke chases it down and climbs into the cockpit. और यहाँ पर सुनने लायक बात ये थी कि Red Bull के पास में ऐसी परमिशन भी नहीं थी ऐसे स्टंट को परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने FAA से तरीके की परमिशन नहीं ली थी, जिसके बाद में अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है Red Bull के ऊपर भी और इस एयरक्राफ्ट वालों के ऊपर भी जो ये स्टंट सेटअप करके बैठे हुए थे Red Bull के लिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।